अभी अभी एक बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन हमारे सामने वाटर गवर्नेंस के बारे में हुआ और उसी को आगे बढ़ाते हुए महाराष्ट्र ने वाटर गवर्नेंस में जो चीजें की है उन चीजों को मैं आपके सामने हाईलाइट करना चाहता हूँ ये कुछ स्टैटिस्टिक्स देने का प्रयास हमने किया है हमारे यहाँ करीब 12 करोड़ की पॉपुलेशन है और अभी सरफेस वाटर की अवेलेबिलिटी करीब 140 बिलियन क्यूबिक मीटर है और जो हमारा एंटाइटलमेंट है स्टेट का इट इज अबाउट 116 बीसीएम और इसमें मैक्सिमम पानी हम लोग एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं अराउंड आप देख सकते हैं कि नियरली 40 परसेंट पानी एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है डोमेस्टिक के लिए एट बीसीम और इंडस्ट्रियल के लिए सबसे कम पानी एक्चुअली हम लोग यूज करते हैं और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में जो कुल हमारी जमीन है जो अंडर कल्टिवेशन है इसके करीब हम लोग 50 प्रतिशत के करीब ही लैंड को हम लोग इरिगेट कर सकते हैं ऐसी ऐसी महाराष्ट्र की स्थिति है और जो हम इरिगेशन पोटेंशियल अचीव कर सकते हैं उसमें से तकरीबन जो सरफेस वाटर से हम लोग कर सकते हैं वो हम लोग अभी तक आ, आ, आप देख सकते हैं कि 5.52 में से 4.16 हम लोगों ने अचीव कर लिया है तो हम लोग करीब करीब उस तक पहुंचे ग्राउंड वाटर से भी करीब हम लोग टू मिलियन हेक्टर्स तक इसको इरिगेट करते हैं तो काफी हमारा पोटेंशियल जो है हमने उसको अचीव किया है लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि आप लोग इन आंकड़ों से देख सकते हैं कि तकरीबन 45 परसेंट तक हम लोग अभी जो हमारा एरिया उसको माइक्रो इरिगेशन में ला पाए हैं जो मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार का इंडिकेटर है हम लोग तो चाहते हैं कि इसको हम बढ़ाकर 70 70-75 परसेंट तक ले जाए और उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की काफी स्कीम भी चल रही है अभी ये जो महाराष्ट्र का अगर हम लोग नक्शा देखे तो महाराष्ट्र में फोर्टी टू परसेंट एरिया ऐसा है कि जहां पर हमारा डेफिसिट है और हाईली डेफिसिट एरिया है और बचे हुए जो हमारा इलाका है थर्टी परसेंट इज इज नॉर्मल और फिर करीब सत्ताइस प्रतिशत एरिया ऐसा है कि जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है लेकिन इसमें आ, मतलब एक विरोधाभास ऐसा है कि ये जो 27 प्रतिशत एरिया है इसमें राज्य की 50 परसेंट बारिश होती है और उसमें से 75 परसेंट बारिश ये समुद्र में चली जाती है क्योंकि वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स है जिसमें से पानी सीधा समुद्र को जाता है तो कुल मिलाकर 42 परसेंट जो एरिया है ये एरिया आ, बहुत ज्यादा डेफिसिट का एरिया है बहुत ड्राउट प्रोन एरिया है और इसलिए एक आ, आ, अजीब सी परिस्थिति महाराष्ट्र के सामने होती है कि बारिश तो बहुत है लेकिन उसमें से 50 प्रतिशत बारिश ये इस्तेमाल ही नहीं हो सकती और इसलिए बहुत ज्यादा वाटर गवर्नेंस की आवश्यकता ये महाराष्ट्र को यहाँ पर पड़ती है अभी ये जो सारा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है इसमें हमारा जो महाराष्ट्र वाटर रिसोर्स रेगुलेटरी अथॉरिटी है इसका एक हमने 2005 में एक्ट किया महाराष्ट्र शायद ये पहला राज्य रहा है जिसने रेगुलेटरी अथॉरिटी तैयार की है और वो बहुत अच्छी कारगर ढंग से हमारी अथॉरिटी uh, यहां पर काम कर रही है साथ साथ हमने इंटीग्रेटेड स्टेट वाटर प्लान तैयार किया वो भी महाराष्ट्र पहला राज्य है कि जिसका इंटीग्रेटेड स्टेट वाटर प्लान तैयार हुआ है नेशनल वाटर पॉलिसी जो है जो 2012 में बनी उसके तर्ज पर हमने 2019 में स्टेट वाटर पॉलिसी तैयार की है और uh, कुल मिलाकर uh, हम लोगों ने ये जो पॉलिसी तैयार की है इसमें विशेष रूप से बेसिन लेवल मैनेजमेंट ये इसका हम लोगों ने इसका थीम रखा हुआ है और इसके माध्यम से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो विशेष रूप से रिसाइकल्ड वाटर का ज्यादा इस्तेमाल हम लोग कर पाए तो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट हंड्रेड हो सारी महानगर है नगर है ये जो हमारी बड़ी अथॉरिटीज है क्योंकि महाराष्ट्र एक बड़ा अर्बनाइज स्टेट है 50 परसेंट पॉपुलेशन लिव्स इन अर्बन एरिया तो यहां पर 100 परसेंट हम लोग वाटर ट्रीटमेंट कर पाए ये हमारा फोकस है माइक्रो इरिगेशन एक हमारा बहुत बड़ा फोकस है और उसके साथ साथ जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करना और ये सारी चीजों के साथ साथ एक जिसका उल्लेख हुआ कि जब तक हम लोग पीपल्स पार्टिसिपेशन इसमें नहीं लेंगे तो तब तक ये सारी चीजें हो नहीं पाएगी तो बहुत बड़ा एक स्टेक होल्डर्स का पार्टिसिपेशन भी हम लोगों ने इंश्योर किया है और उसके साथ साथ हम लोग फ्लड फोरकास्टिंग और फ्लड मैनेजमेंट का भी एक बहुत बड़ा कार्य हाथ में लेते हैं अभी ये जो आपके सामने स्टेटिस्टिक्स है 2016 की परिस्थिति और 2020 30 में हम क्या करना चाहते हैं इसमें केवल आप दो तीन इंडिकेटर अगर इसमें देखेंगे तो इंडस्ट्रियल यूज ऑफ यू नो एलोकेटेड रॉ वाटर इसको 50 परसेंट नीचे हम लाना चाहते हैं इसका मतलब इंडस्ट्री बढ़े नहीं ऐसा नहीं है तो हम इसके साथ साथ जो रिसाइकल्ड वाटर है उसको इंडस्ट्री में ज्यादा कैसे इस्तेमाल करें इसका प्रयास हम लोगों का है और इसमें हमने एक पॉलिसी तैयार की है जिस पॉलिसी के तहत हमारी जो एम आई डी सी हमारा जो इंडस्ट्रियल स्टेट हमने जो तैयार की है फिफ्टी किलोमीटर के एरिया में किसी भी इंडस्ट्रियल स्टेट के कोई भी म्युनसिपल कारपोरेशन या म्युनिसपालिटी अगर वाटर ट्रीट करती है तो वो ट्रीटेड वाटर ही उनको खरीदना पड़ेगा अपनी रॉ वाटर वो यूज नहीं कर पाएंगे सीधा डैम से वाटर वो नहीं ले पाएंगे इस प्रकार की व्यवस्था हमने की है और इसका एक बहुत सफलतम प्रयोग हमने पहला प्रयोग नागपुर में किया जहां पर हमारा जो वहां पर पावर जनरेशन होता है उसका सारा पावर जनरेशन का पानी ये नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ट्रीटेड वाटर वहां पर जाता है अभी बिल्कुल रॉ वॉटर हम उनको देते नहीं है और इसका फायदा यह हुआ है कि हमारा टर्शरी ट्रीटमेंट भी शुरू हो गया है और नागपुर महानगर पालिका को अपना ट्रीटेड पानी बेचकर आज करीब 25 करोड़ रुपया हर साल मिलता है तो पानी जो पहले वेस्ट होता था जो पोल्यूट करता था वो पानी इस्तेमाल में भी आ रहा है तो ऐसा कई जगह हम लोगों ने किया और धीरे धीरे सारा हमारा थर्मल जनरेशन हम लोग ये वेस्ट वाटर के ऊपर या रिसाइकल वाटर के ऊपर ले जाना चाहते इसलिए ये जो 2030 में हमने कहा है कि इंडस्ट्रियल यूज को हम नीचे लाएंगे दूसरा रिसाइकल्ड वाटर का आज जो यूज है वो हमारा मतलब 2016 में बहुत कम था अभी तो हम लोग काफी कर रहे हैं तो ये 16 के आंकड़े मैंने दिए 30 तक हम लोगों को इसको एक निश्चित हम लोगों ने नाइन थाउजेंड फोर तक हम लोगों को आ, उसको पहुंचाना है और इसके साथ साथ एक चीज और है जो हमारे सारे स्ट्रक्चर में अभी तक लैकिंग थी जो आ, इसका एक 2030 का हमारा एक आ, वो टारगेट भी है कि आज हम लोग सारे डैम तैयार करते हैं और हमारी रिवर का जो नेचुरल फ्लो है इको फ्लो है उसको खत्म कर देते हैं तो उसका जो सारा इकोलॉजिक उसका है जो लाइफ है वो सारा खत्म हो जाता है क्योंकि पानी जब छोड़ा जाता है तो तीन चार महीने पानी रहता है बाकी समय वो सूखी होती है तो उसका एक इको एक फ्लो भी करना, ये भी 2030 के लिए हम लोगों ने तय किया है और फिर इसके लिए कुछ गवर्नेंस के रिफॉर्म्स हम लोगों ने किए जिसमें हमने दो में एक स्टेट पॉलिसी की थी वाटर पॉलिसी इसको बिल्कुल नए तरीके से दो में हमने अमेंड किया है और उसके कुछ हाईलाइट्स मैंने आपको बताए हैं इसके साथ साथ हम लोगों ने महाराष्ट्र मैनेजमेंट ऑफ इरिगेशन सिस्टम बाय फार्मर्स ये एक एक्ट हमने तैयार किया जिस एक्ट के तहत ये जो सारा वाटर मैनेजमेंट होता है ये वाटर यूजर्स अथॉरिटी करती है एसोसिएशन करती है और ये असोसिएशन टेल टू हेड इस प्रकार से इसका पूरा प्लानिंग करती है उनको सारे अधिकार आगे की स्लाइड में वो आने वाला है इसलिए मैं उसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूं और साथ में हम लोगों ने महाराष्ट्र वाटर रिसोर्स अथॉरिटी तैयार की है तो हमारा सारा टेरिफ सरकार तय नहीं करती एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट जैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी है वैसे ही वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी सारे टेरिफ वो डिटरमिन करती है और उसके आधार पर ही हम लोग टेरिफ की वसूली करते हैं इसके साथ साथ हम लोगों ने महाराष्ट्र ग्राउंड वाटर आ, एक्ट भी तैयार किया है जिसमें हम लोगों ने ग्राउंड वाटर के मतलब हम जिसको आ, उसका इस्तेमाल जो करते हैं उसके ऊपर कुछ हम लोगों ने उसको रेगुलेट करने का प्रयास किया लेकिन साथ साथ हम लोगों ने यह भी प्रयास किया है कि हम ग्राउंड वाटर को फिर रिचार्ज कैसे करें क्योंकि केवल रेगुलेशन से ये नहीं चलती है आखिर दुनिया की जरूरत है लोगों की जरूरत है इंडस्ट्री की जरूरत है तो उसको रिचार्ज करके हम फिर उसका इस्तेमाल कैसे करें इसके लिए भी ये बहुत कारगर एक्ट हम लोगों ने किया है 2017 से हम लोगों ने पॉलिसी लाई जिसमें अब हम ओपन कैनाल्स करते ही नहीं है सारा हमने पाइप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क शुरू कर दिया है और मैं आपको हमारे अनुभव से बताता हूं क्योंकि अभी करीब दस लाख हेक्टर का हमारा पाइप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अभी तैयार हो रहा है आज जो हमारा जमीन अधिग्रहण का नया कानून है इस कानून में हम लोगों को अधिग्रहण करते समय जितनी परेशानियां होती है जितना पैसा देना पड़ता है अगर हम लॉन्ग टर्म में अगर उसको असेस करें तो पाइप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये ओपन कैनाल से फास्ट भी होती है और उतना ही पैसा लगता है और अगर लाइफ साइकिल कॉस्ट अगर हम उसकी उसका विचार करें तो लाइफ साइकिल कॉस्ट उसकी कम आती है इसलिए ये भी सिस्टम हमने शुरू किया दो हजार के बाद हम ओपन कैनाल करते ही नहीं है और उसके साथ साथ हमने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट रिसाइकिलिंग की पॉलिसी भी तैयार की है तो ये सारे गवर्नेंस के रिफॉर्म्स हम लोगों ने 2017 से 2019 में किए और आज उसका बहुत बड़ा फायदा भी हमको हो रहा है इसके साथ साथ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी हमने किए जिसमें हमने आ, हमारे इरिगेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन किए तो ये सारे इरिगेशन डेवलपमेंट कारेश जो है जहां हमारे रिवर बेसिन जो है इनको मद्देनजर रखते हुए चार मेजर बेसिन हमारे पास है और पांचवी हमारी वेस्ट फ्लोइंग जो रिवर्स है तो ये सारी रिवर बेसिन को मद्देनजर रखते हुए ये इरिगेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हमने तैयार किए हैं और इसी के माध्यम से सारा इरिगेशन का पोटेंशियल या वाटर रिसोर्स पोटेंशियल हम लोग उसको डेवलप कर रहे हैं तो एक इंटीग्रेशन इसके कारण हमारा तैयार हो पाया है इसके साथ साथ एक स्टेट वाटर काउंसिल तैयार की है जो चीफ मिनिस्टर जिसको हेड करते हैं और सारे इंटीग्रेटेड प्लान इस काउंसिल के माध्यम से जाते हैं एक स्टेट वाटर बोर्ड हमने तैयार किया है जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी उसके उसके प्रमुख होते हैं और जो पॉलिसी डिसीजंस होते हैं वो वहां पर हम लोग लेते हैं एक ऑफिस ऑफ चीफ वाटर ऑडिटर हमने तैयार किया है जिसमें हर साल वाटर का कंप्लीट ऑडिट हम करते हैं और एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट अथॉरिटी तैयार किया ताकि हम लोग किस प्रकार से पानी का इस्तेमाल कर रहे वेदर इट इज इन पॉलिसी और पॉलिसी को हम कहा ब्रीच कर रहे हैं इसका सारा लेखा जोखा हमारे सामने आता है और इसके साथ साथ हमने जो वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट तैयार किया है कि जिसके माध्यम से कैपेसिटी बिल्डिंग हम करते हैं मास अवेयरनेस हम करते हैं और साथ साथ एक प्रकार से एक थर्ड पार्टी इवेल्यूएशन भी उसके माध्यम से होता है कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी हमने किए जिसमें इंटीग्रेटेड स्टेट वाटर प्लान हमने तैयार किया और मैं ऐसा मानता हूं महाराष्ट्र ये पहला राज्य है कि जिसने हंड्रेड परसेंट हमने बेसिन सब बेसिन को इंटीग्रेट करते हुए इसका प्लान तैयार किया और एक बड़ी करीब करीब अराउंड तीन साल लगातार हम लोग इसके पीछे लगे थे और इसको हमने कंप्लीट किया है और आज हमारे पास कोई भी हमारा वाटर रिसोर्स हम आ, अगर तैयार करते हैं तो उसके लिए हमारे पास कंप्लीट इम्पैक्ट एनालिसिस है और हमारे पास इंटीग्रेटेड प्लान होने के कारण हम एक मिनट में असेस कर सकते हैं कि इसका आगे क्या परिणाम होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार से एंटाइटलमेंट देने के लिए एक जो हमारी नेशनल वाटर पॉलिसी भी है वो भी ये कहती है कि हमारे पास इंटीग्रेटेड प्लान होना चाहिए तो हम लोगों ने महाराष्ट्र में किया और इसका बहुत फायदा हमको हो रहा है और मुझे ऐसा लगता है इसके पीछे थोड़ा पॉलिटिकल विल भी देना पड़ता है थोड़ा समय भी देना पड़ता है लेकिन एक प्लान अगर हम लोग तैयार कर ले तो वाटर रिसोर्सेस को मैनेज करने के लिए एक बहुत ही अच्छा इस प्रकार की व्यवस्था ये होती है वाटर प्राइसिंग हम लोगों ने वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पर की हुई है तो उससे भी हम लोगों को आज कुछ रियलाइजेशन रियलाइजेशन भी उसके माध्यम से 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 हो रहा है और विशेष रूप पर से वहाँ पर कैश क्रॉप हमको अच्छे तरीके से होता है तो मुझे लगता है कि वो भी एक अच्छी बात हम लोग कर पाए एनुअल इरीगेशन स्टेटस रिपोर्ट हम देते हैं कहाँ तक हम पहुंचे इसको भी हम देते हैं एनुअल वाटर ऑडिट रिपोर्ट हम लोग देते है और एक एनुअल बेंचमार्किंग रिपोर्ट देते हैं बेंचमार्किंग रिपोर्ट में जितने बेंचमार्क सेंट्रल वाटर पॉलिसी ने हम लोगों के लिए सेट किए है हर साल उन बेंचमार्क्स पर महाराष्ट्र कहां है इसका एक रिपोर्ट तैयार होता है जो हम विधानसभा को भी देते हैं तो एक प्रकार से हम सेल्फ स्क्रुटिनी करते कि बेंचमार्क केवल कागज पर न रहे तो वो यथार्थ में हम लोगों ने कहा तक हम लोग पहुंचे ये भी करने की कोशिश हम करते हैं महाराष्ट्र वाटर रिसोर्सेस रेगुलेटरी अथॉरिटी के बारे में मैंने आपको बताया इसमें ये अथॉरिटी इतने अच्छे तरीके से काम कर रही है अभी तक तीन बल्क वाटर टेरिफ इन्होंने दिए हुए हैं और आज हमारा सारा वाटर प्राइसिंग ये वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी के माध्यम से ही हो रहा है उनके जो हम लोगों को जिस प्रकार से वो आदेश देते उन्हीं आदेश के आधार पर हम लोग उस प्रकार का प्राइसिंग करते हैं और उसमें अगर कोई डेविएशन करना है तो स्टेट को वो बेयर करना पड़ेगा स्टेट को उतनी सब्सिडी देनी पड़ेगी तो आज जैसे अर्चना जी कह रहे थे कि वाटर इज अ इकोनॉमिक कम्युनिटी वी हैव टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ वाटर तो ये इकोनॉमिक कमोडिटी के रूप में वाटर की वैल्यू आज हंड्रेड हम लोग एसेस करते हैं कोई भी पानी आज केवल नेचुरल कमोडिटी के रूप में बहकर कोई भी इस्तेमाल कर ले ऐसा नहीं है किसी को फ्री भी मिल रहा है या किसी को सब्सिडाइज भी मिल रहा है तो अकाउंट फॉर है ये ये परिस्थिति इसके माध्यम से हम लोगों ने तैयार की है अभी तक इस अथॉरिटी ने और ये अथॉरिटी दूसरा काम ये भी करती है कि कोई भी हम लोग इंटीग्रेटेड वाटर प्लान के हिसाब से नया प्रोजेक्ट भी लेते हैं तो प्रोजेक्ट को भी हमको मान्यता इस अथॉरिटी की लेनी पड़ती है अनलेस द अथॉरिटी परमिट्स क्योंकि कई बार हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं तो कहीं से मांग आ जाती है तो वहां पानी है या नहीं है इसका विचार किए बिना कभी कभी हम पॉलिटिकल कंसिडरेशन के आधार पर उसको मान्यता दे देते हैं बाद में उसका एक बड़ा प्रॉब्लम खड़ा होता है पैसा भी खर्चा हो जाता है तो उसको भी एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी एक ऑटोनोमस अथॉरिटी इसमें असेस करती है तो उसका भी एक बहुत बड़ा फायदा हमको होता है ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और कम्युनिटी बिल्डिंग में भी बहुत अच्छा काम हम लोगों ने किया तो ये हम लोगों ने जो वाटर यूजर अथॉरिटी तैयार की है ये अथॉरिटीज इतना अच्छा काम कर रही है और बिल्कुल टेल टू हेड ये प्लानिंग करती है इन अथॉरिटीज को हमने अधिकार दिए हुए इन अथॉरिटीज को हम लोग उसका कैपेसिटी बिल्डिंग हम लोग करते हैं क्रॉप प्लानिंग वो ही करते हैं उनके हिसाब से वो क्रॉप प्लानिंग करते हैं और जो अथॉरिटीज अच्छा काम करती है उन अथॉरिटीज को हम लोग मदद भी करते हैं 50 परसेंट से 93 परसेंट तक हम उनके जो वाटर चार्जेस है उनको रिफंड करते हैं ताकि वो वहीं पर इस्तेमाल करते वो उसको और स्ट्रेंदन कर पाए और मुझे बहुत खुशी है कि करीब करीब पांच हजार सात सौ ऐसी अथॉरिटीज हमने तैयार किए और ये जो एक्ट है इतना मॉडल एक्ट हम लोगों ने तैयार किया है कि अथॉरिटी तैयार कैसी होगी उसका इलेक्शन कैसा होगा वो मैनेजमेंट कैसा करेंगे गलत काम करेंगे तो लोगों को उनको हटाने का अधिकार दिया हुआ है और ये बहुत अच्छे तरीके से ये सारी अथॉरिटीज यहाँ पर काम कर रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन ऑफ वाटर गवर्नेंस एंड वाटर मैनेजमेंट इसका एक बहुत उत्तम नमूना हमको ये देखने को मिल रहा है अब नया एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक के साथ एक टाइप करते हुए महाराष्ट्र में इसकी संख्या तीन गुना बढ़ाने का एक नया प्रयास हम लोगों ने शुरू किया है पाइप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जिसकी मैंने बात की कि अब सारा हम पीडीएन के माध्यम से ये सारा कर रहे हैं अभी करीब करीब 10 लाख हेक्टर तक हम लोग ये कवरेज ले जा रहे हैं और पुराने प्रोजेक्ट्स को भी धीरे धीरे हम लोग उसमें इंक्लूड कर रहे हैं लेकिन नए प्रोजेक्ट में तो 100 परसेंट हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये पाइप नेटवर्क का ही हम लोग यहां पर कर रहे हैं इसके साथ साथ पॉलिसी ऑफ रिसाइकलिंग री एंड रीयूज की बात मैंने आपको की और इसमें बहुत अभी अच्छा काम चल रहा है विशेष रूप से अगर हम हमारे केंद्र सरकार की सारी योजनाओं को एक साथ मिलाकर इसकी तरफ देखे आज अमृत जैसी योजना में इतने बड़े पैमाने पर हम लोग हमारे एस तैयार करके वाटर ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं और करीब करीब अमृत में जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने हमको पैसा दिया है तो सारी अर्बन बॉडीज जो है ऑलमोस्ट ऑल अर्बन बॉडीज आर गेटिंग कवर्ड सारी अर्बन बॉडीज में वाटर ट्रीटमेंट हो रहा है अब ये ट्रीट करके पानी अगर हम वापिस फेंक दे तो इसका फायदा नहीं है हम अगर इसका इस्तेमाल करें तो ये ट्रीटमेंट की कॉस्ट भी कवर होगी दो पैसा भी उसमें से मिलेगा और उसके साथ साथ हम लोग वाटर को कंजर्व भी कर पाएंगे तो इसकी एक पॉलिसी जो हम लोगों ने तैयार की है उसके ऊपर भी बहुत अच्छा कार्य हमारा चल रहा है और हम लोगों ने अभी तो एक बड़ा मॉडेस्ट ये तय किया है कि अगले पांच सालों में थर्टी परसेंट हम लोग पानी का रीयूज ये करेंगे और उसके लिए हम लोगों की कार्रवाई भी शुरू हुई है एक हम लोगों ने वाटर कंजर्वेशन का भी बहुत अच्छा काम किया विशेष रूप से एक जलयुक्त शिवार अभियान लिया था इस अभियान के तहत रिस्ट टू वैली अप्रोच में हम लोगों ने जो अपने वाटर शेड्स है उसको ट्रीट करने का प्रयास किया 1500 सौ वाटर शेड जो हमारे है वो सारे वॉटर शेड्स को हमने ट्रीट करने का प्रयास किया और इसके फर्स्ट फेज में चूंकि हम लोगों के ध्यान में आए 2014-15 में कि हमारे करीब 20,000 हजार गांव ऐसे कि जो 100 परसेंट ड्राउट प्रोन है यहाँ लगातार ड्राउट रहता है यहाँ लगातार लोगों को परेशानी होती है यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर टैंकर लगते हैं तो उसके लिए हमने पहले ये ट्वेंटी थाउजेंड विलेजेस के लिए स्कीम को तैयार किया और इसमें हम लोगों ने यह किया कि कन्वर्जेंस किया सारी केंद्र सरकार की राज्य सरकार की योजनाओं का कन्वर्जेंस करते हुए कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स कन्वर्जेंस ऑफ फंड्स और उसके साथ साथ कन्वर्जेंस ऑफ अथॉरिटी भी किया एक सिंगल अथॉरिटी हमने कलेक्टर को बनाया कलेक्टर के अंडर सारे डिपार्टमेंट्स लाए और सबको मिलकर ये वाटर कंजर्वेशन का काम हमने वहां पर शुरू कराया क्योंकि महाराष्ट्र का प्रॉब्लम यह है कि 52 एरिया महाराष्ट्र का ड्राउट प्रोन है तो अगर हम वाटर कंजर्वेशन नहीं करेंगे तो हम कभी भी महाराष्ट्र में इरिगेशन कर नहीं सकते करीब करीब हजार गांव को हम लोगों ने इसमें ट्रीट किया है पिछले पांच वर्षों में और ये बाईस हजार गांव की पूरी हमने सिस्टम तैयार की थी रिच से वैली का अप्रोच था और एरिया ट्रीटमेंट ये इसका सबसे महत्व का काम था आपको आश्चर्य होगा करीब करीब छह लाख काम हमने कंप्लीट किए छह लाख कामों का हंड्रेड परसेंट हमने जियो टैगिंग किया आज हमारे वेबसाइट पर जाकर कोई भी इन छह लाख कामों में से किसी भी काम को क्लिक करते हुए उसका फोटोग्राफ भी देख सकता है और वो काम किस प्रकार से हुआ ये भी देख सकता है और इसका सबसे महत्व का हिस्सा क्या था तो पीपल्स पार्टिसिपेशन करीब दस हजार काम ये लोगों के पार्टिसिपेशन से हुए और उसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर पीपल्स पार्टिसिपेशन को हम लोग क्वांटिफाई करें तो 600 करोड़ रुपया ये लोगों के कंट्रीब्यूशन से इस योजना में आया और इस योजना में सबसे बड़ी बात यह हुई कि जैसा आप लोग इस स्लाइड में देख सकते हैं कि करीब गांवों को हमने ड्राउट प्रूफ किया यहां पर करीब 27 लाख टीसीएम वाटर हम लोगों ने कंजर्व किया और पीपल्स कंट्रीब्यूशन छह करोड़ का यहां पर था ग्राउंड वाटर रिचार्ज एक हमारे यहाँ पर एक पिटीशन उस पिटीशन में हमारे हाईकोर्ट ने आई मुंबई को अपॉइंट किया और आई मुंबई ने एक रिपोर्ट दाखिल किया जिसमें उन्होंने कहा कि जहां पर बहुत बड़े पैमाने पर जो ग्राउंड वाटर था वो नीचे गया था डार्क जोन थे वो सारे रिचार्ज हुए हैं और बहुत बड़े पैमाने पर वहां पर पानी का कंजर्वेशन हम लोग कर पाए इससे सबसे बड़ी बात यह हुई कि हम लोग एग्री प्रोडक्टिविटी को बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ा पाए और विशेष रूप से रबी की जो फसल है ये फसल हम लोग पंद्रह तेरह लाख हेक्टर से अट्ठाईस लाख हेक्टर तक मतलब दुगने से भी ज्यादा हम रबी की फसल को ले जा सके और इसका एक किसानों को भी बहुत बड़ा फायदा यहां पर हुआ अभी हम लोगों ने जलयुक्त शिवार अभियान का पार्ट टू हाथ में लिया है पांच हजार गांव इसमें लिया। और अब ये इसको हम आगे ले जाना चाहते हैं क्योंकि जो अभी तक हमने काम किया उसका इवेल्युएशन करते हुए उसको और आगे ले जाने का काम हम करेंगे और उसमें अभी कंप्लीट क्रॉप प्लानिंग से लेकर तो ड्रिप इरीगेशन तक सारी चीजें हम लोग उसके अंदर ले जाना चाहते और इसके लिए गाँव को हम पैसा भी दे रहे और मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार से पहली स्कीम हमारे लिए गेम चेंजर हुई हमारे करीब करीब टैंकर्स बंद हो गए और एवरेज से 10 परसेंट रेनफॉल कम भी हुआ परसेंट रेनफॉल कम भी हुआ तो एग्री प्रोडक्टिविटी पर उसका कोई परिणाम नहीं हो रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत अच्छा काम हम लोग कर पाए करीब करीब इसमें हम लोगों ने दो लाख फार्म पॉन्ड भी तैयार किए जिसके कारण जहां पर खेती ही नहीं होती थी वहां पर आज हॉर्टिकल्चर हो रहा है ये इसका परिणाम हम लोगों को देखने को मिलता है अभी हम लोगों ने मेजर इंटरलिंकिंग स्कीम्स को हाथ में लिया है क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हमारी है ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स से हमारा सारा पानी समुद्र में चला जाता है और अभी तक ये था कि उसके लिंकिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि ये नीचे है ये बिल्कुल और सारा इतना लिफ्ट करके ले जाना एक बड़ा कठिन काम था लेकिन अभी उसका हमने प्लानिंग किया और करीब करीब आप देख सकते हैं कि अभी हम लोग एक टीएमसी पानी करीब उसका खर्चा एक लाख दस हजार करोड़ का होगा लेकिन इसको हम लोग अभी आने वाले दिनों में करके और जितना हमारा वाटर डेफिसिट एरिया है जैसे हमारा गोदावरी का बेसिन है फिफ्टी परसेंट फोर्टी नाइन परसेंट ऑफ महाराष्ट्र इज अंडर गोदावरी बेसिन और ये डेफिसिट बेसिन है अगर इस बेसिन को हम सरप्लस बेसिन या इसका डेफिसिट भी अगर हम लोग खत्म कर पाए तो महाराष्ट्र का ये जो फिफ्टी एरिया जो ड्राउट प्रोन एरिया है उस एरिया को हम लोग पूरे तरीके से बदल पाएंगे और इसमें हम लोगों ने काफी जो टारगेट हाथ में लिया है जैसे हम लोग जो नलगंगा वैन गंगा करके एक वाटर लिंकिंग स्कीम कर रहे हैं इसमें हमारा करीब 500 किलोमीटर का टनल रहेगा और 500 किलोमीटर के टनल से हम लोग ये पानी ले जाएंगे या कई जगह पर बड़े बड़े पर्वत जो है उन पर्वतों के जगह से हम लोग डायवर्सन केनाल लेकर ये सारा पानी ले जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत महत्वाकांक्षी इस प्रकार का ये सारा प्रोजेक्ट हम लोगों ने हाथ में लिया लेकिन लगातार केंद्र सरकार भी हमको मदद करती आ रही है और मुझे लगता है कि विशेष रूप से अभी हमारे जल शक्ति मंत्री इन्होंने तो हमको बहुत मदद महाराष्ट्र को की है और इसीलिए हम लोग यहाँ तक पहुंच पाए तो आगे भी इनकी मदद से हम लोग इसको निश्चित रूप से कर पाएंगे एक उदाहरण है हम लोगों ने एक रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट किया हुआ है जिसमें एक रिवर का पानी लाकर हम लोगों ने उसको गोदावरी बेसिन में लाने का प्रयास किया हुआ है ये हमारा बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट यहाँ पर हम लोग कम्प्लीट कर पाए और ये मेरी आखिरी स्लाइड है तो मैं इस स्लाइड के माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ कि करीब करीब हम लोग अभी इरिगेशन पोटेंशियल को इनक्रीज करने का प्रयास जो कर रहे हैं ये बहुत बड़े पैमाने पर ये सारी चीजें आज हमारी चल रही है और मुझे ऐसा लगता है कि विशेष रूप से हम लोगों ने ये जो वाटर गवर्नेंस के ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर हमने जोर दिया हुआ है तो इसमें हमारे गाँव ये वाटर सेल्फ सफिशियंट हो इसलिए जलयुक्त शिवार अभियान है हमारा इरिगेशन पोटेंशियल हम लोग पूरे तरीके से हार्नेस कर पाए इसलिए रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स हम लोग कर रहे हैं और इसके साथ साथ आ, वाटर डायवर्शन के माध्यम से और वाटर यूजर्स अथॉरिटी जो हमने तैयार की है इसके माध्यम से हम लोग बहुत बड़े पैमाने पर कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं और मुझे लगता है ये सारी चीजों के कारण एक हम लोग इंटीग्रेशन भी कर पाए आज हमारे यहां जितने जितने लोग ये पानी के लिए काम करते हैं जितनी अलग अलग सरकार की एजेंसीज ये पानी के लिए काम करती है ये सारे एजेंसीज को एक हमने इंटीग्रेटेड प्लान से जोड़ा दूसरा हमने हमारे जो वाटर रिसोर्सेस अथॉरिटी है उस अथॉरिटी से जोड़ा और इसलिए बहुत इंटीग्रेटेड तरीके से महाराष्ट्र में हम लोग काम कर पा रहे हैं हम लोगों ने जो सारे कानून तैयार किए हैं और जो प्लान्स तैयार किए वो उसका एक बुकलेट भी आप लोगों को दिया है आप लोग भी जरूर देखिए उसमें से कुछ आप लोगों को ऐसा लगे कि करने लायक है तो आप क्या कीजिए हम भी बाकी स्टेट से जो सारी अच्छी, अच्छी प्रथाएं वो लोग लाते हैं वो भी करने का प्रयास करते हैं और मुझे लगता है कि हम सब लोग मिलकर ये वाटर गवर्नेंस के माध्यम से हमारे हमारा जो देश है उसकी वाटर एफिशिएंसी भी हम लोग बढ़ा पाएंगे और उसके साथ साथ हम लोग एक प्रकार से हमारी प्रगति में इस पानी को सस्टेनेबली यूज करने का एक बहुत अच्छा मॉडल तैयार कर पाएंगे आपने मुझे सुना इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू